नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू हो गया है जो कि 5 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ के 9 रूपों की पूजा होती है और साथ साथ नॉनवेज और प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं किया जाता है। वहीं कुछ लोग पूरे 9 दिन उपवास भी रखते हैं। और अगर आप कोई वेट लॉस डाइट पर रहते हैं तो आपके लिए नवरात्रि के उपवास चुनौती से भरे साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान प्रोटीन फूड्स की कमी रहेगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप नवरात्रि में उपवास रखते हैं और साथ साथ अगर आप कोई वेट लॉस डाइट पर है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उपवास के दौरान प्रोटीन की कमी पूरी करेगी। आज तक के रिपोर्ट के मुताबिक डेयरी प्रोडक्ट दूध प्रोटीन से भरपूर होता है और दूध से ही सारे डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं। तो दूध से बनी कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, जैसे दही और पनीर जैसी बनी चीज़ें भी प्रोटीन में काफ़ी हाई होती है। प्रोटीन तो मिलेगा ही, साथ साथ एनर्जेटिक रहने में भी ये चीज़ें मदद कर सकती हैं। पनीर के अंदर भी बहुत प्रोटीन होता है। उपवास के दौरान आप इसका भी सेवन कर सकते हैं और अगर आपको पनीर पसंद है तब तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। 10 ग्राम पनीर में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप चाहे तो पनीर को ऐसे भी खा सकते हैं या इसकी कोई डिश बना के भी खा सकते हैं। नट्स, ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत प्रोटीन होता है, जैसे बादाम और अखरोट, इनमें बहुत प्रोटीन होता है। इससे भूख भी मिटेगी और प्रोटीन की कमी भी पूरी होगी। कुट्टू का आटा भी प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। इस आटे का हलवा भी बनता है, हलवा खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं या किसी अन्य तरीके से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रोटीन शेक या छाछ, हाइड्रेट रहने के लिए प्रोटीन शेक का उपयोग कर सकते हैं। इसमें चाहे तो फल और मेवा डाल सकते हैं। इसके अलावा लस्सी या छाछ भी आप ले सकते हैं, इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है। प्रोटीन वाले लड्डू, आप प्रोटीन वाले लड्डू भी खा सकते हैं। लड्डू में आप घी बादाम मिलाएं जिससे उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाएगी। लड्डू बनाने में मेहनत भी नहीं लगती है, इसलिए इस नवरात्रि इसे भी ट्राई कर सकते हैं। दाल में काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और अगर आप 2 से 3 कटोरी भी दाल का सेवन करते हैं तो करीब 30 से 40 ग्राम प्रोटीन आपको मिल सकता है। यदि आप एक समय भोजन करते हैं तो डाइट में दाल को शामिल कर सकते हैं। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रिपोर्ट से आपको मदद मिलेगी। नमस्कार।